तलवार में पानी। सम्राट कृष्णदेव राय के वंशज पुश्तों से विजयनगर पर राज करते आए थे। प्रत्येक राजवंश की महत्वपूर्ण वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सम्राट ने एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की और उसकी देखरेख के लिए अनेक दक्ष तथा योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति की। एक दिन राजा दरबारियों के साथ संग्रहालय का निरीक्षण कर रहे थे, एकाएक अपने पूर्वज नरेश नायक की तलवार देखकर रुक गए। सम्राट कृष्णदेव राय ने मंत्री से पूछा, तुम्हें इस तलवार में क्या विशेषता दिखाई दे रही है? मंत्री बोला, अन्नदाता, ये तलवार नहीं आपके पूर्वजों के शौर्य की कहानी है। सेनापति की ओर सम्राट ने देखा तो वो बोला, महाराज ये तलवार नहीं अनमोल हीरा है जिसने शत्रुओं के कठोर से कठोर हाड़ मांस को गाजर मूली की तरह काट डाला। सम्राट तलवार की प्रशंसा सुन फूले न समा रहे थे। पुरोहित तथा अन्य सभी दरबारियों ने तलवार की प्रशंसा में जमीन आसमान एक करने शुरू कर दिए। अचानक मंत्री ने देखा कि तेनालीराम चुप खड़ा है। सम्राट को सुनाते हुए उसने तेनालीराम से कहा, तुम क्यों चुप हो तेनालीराम, तुम भी तो बताओ तुमने तलवार में क्या देखा? पानी, पानी। तेनालीराम का उत्तर सुनकर दरबारी एक साथ चौंक कर बोले। तब मंत्री ने सम्राट कृष्णदेव राय की ओर देखते हुए तेनालीराम से कहा, इस महान तलवार की तोहिन मत करो तेनालीराम, जो तलवार संसार की धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान है उसमें तुम्हें पानी दिखाई दे रहा है। सम्राट कृष्णदेव राय भी अपनी इस पुश्तैनी तलवार के अपमान को अधिक देर तक न पचा सके। उन्होंने फुफकारते हुए तेनालीराम की ओर देखा और बोले, तेनालीराम तुम आवश्यकता से अधिक ढीठ होते जा रहे हो, या तो एक सप्ताह के अंदर साबित करो कि तुमने जो तलवार में देखा है वो सही है, वरना मैं तुम्हें प्राण दंड दिए बिना न रहूंगा। दरबारियों को लगा कि इस बार तेनालीराम बच न सकेगा। वे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखने लगे। आदेश दे सम्राट जाने लगे तो तेनालीराम ने हाथ जोड़कर एक सप्ताह के लिए वहीं रहने की अनुमति देने को कहा। कुछ सोचकर सम्राट ने अनुमति दे दी। आठवें दिन दरबार खचाखच भरा था। सभी को आशा थी कि तेनालीराम उस पुश्तैनी तलवार में पानी देखने की बात सिद्ध नहीं कर पाएगा और उसे प्राण दंड मिलेगा। दम साधे सभी तेनालीराम के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दरबार आरंभ हुआ, आधा घंटा भी न बीता था कि तेनालीराम मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। उसके पीछे पीछे संग्रहालय के तीन कर्मचारी अपने अपने सिर पर पुस्तकों के गट्ठर उठाकर ला रहे थे। सम्राट सहित सभी दरबारी चकित थे। तेनालीराम ने उन गठनों को खोलकर महाराज से कहा, महाराज मेरी बात का प्रमाण ये प्राचीन पुस्तकें हैं जो मैं आपके संग्रहालय से लाया हूं। विस्मित से सम्राट ने कुछ कहना चाहा तो तेनालीराम बोला, महाराज इन पुस्तकों में आपके उन पूर्वजों की शौर्य गाथाएं हैं जिन्होंने इस प्रतापी तलवार का इस्तेमाल शत्रुओं के विरुद्ध किया। इन सभी में लिखा है कि उस तलवार ने विजयनगर के शत्रुओं को बार बार पानी पिलाया है। फिर दूसरे गट्ठर की ओर इशारा करके तेनालीराम बोले, इन पुस्तकों में लिखा है कि पानीदार तलवार के आगे शत्रुओं के सारे हवाई किले धराशायी हो गए। वो तीसरे गट्ठर की ओर इशारा करके कुछ कहना ही चाहता था कि सम्राट कृष्णदेव राय ने उठकर उसे गले लगा लिया। बोले, बस बस तेनालीराम, हम समझ गए कि जिस तलवार में पानी ना हो वो हीरे की हो या चांदी की बेकार है। तुमने उस पुश्तैनी तलवार में अवश्य ही पानी देखा होगा। दरबारियों के सिर झुक गए। राजा ने तेनालीराम को सम्मानित किया। नई रानी। राजा कृष्णदेव राय के मन में तेनालीराम के प्रति स्नेह को देखकर दरबार के लोग बहुत चलते थे, क्योंकि तेनालीराम के होते किसी की एक न चल पाती थी। राजगुरु तो शुरू से ही उसका दुश्मन था। वो हर समय तेनालीराम से छुटकारा पाने का उपाय सोचता ही रहता था। अंततः राजगुरु को एक उपाय सूझा। उसने महारानी के मूर्ख भाई को पकड़कर भड़काया कि वो इतना बुद्धिमान है कि तेनालीराम उसके आगे कुछ भी नहीं, और जिस पद पर तेनालीराम है उस पर केवल उसका ही अधिकार है। वो मूर्ख तो था ही, जल्दी ही राजगुरु की बातों में आ गया और सीधा अपनी बहन के पास पहुंचा। रानी ने उसे बहुत समझाया कि तेनालीराम अपनी योग्यता के बल पर ही इस पद पर पहुंचा है, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, जैसे भी हो तेनालीराम को दरबार से निकलवाना ही पड़ेगा और ये काम तुम्हारी सिवा कोई नहीं कर सकता। रानी यूं तो तेनालीराम का सम्मान करती थी, लेकिन भाई तो भाई था।
उसकी बात तो माननी ही पड़ती। शाम को जब राजा महल में पधारे तो उसने तेनालीराम को निकाल देने को कहा। राजा रानी की बात सुनकर हैरान रह गए, पर उन्होंने रानी की बात अनसुनी कर दी। रानी ने जब देखा कि राजा से ये बात मनवा लेना आसान काम नहीं है, तो उसने दूसरे उपाय से काम लिया। वो राजा से रुष्ट हो गई। आखिर राजा ने पूछा, प्रिय तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या कोई बात हो गई है जिससे तुम्हारा दिल दुख मान रहा है? आंखों में आंसू लाकर रानी ने कहा, आप तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते कि तेनालीराम को निकालकर उसके पद पर मेरे योग्य भाई को रख लें। राजा भली भांति जानते थे कि रानी का भाई कितना बड़ा मूर्ख है, लेकिन वो रानी से स्पष्ट इनकार भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोले, इस प्रकार यदि तेनालीराम को निकाल दिया गया तो देश में बड़ा असंतोष फैल जाएगा। उसे निकालने के लिए पहले ये साबित करना होगा कि वो अपराधी है। रानी ने उपाय बताया, आप मुझसे रुष्ट होने का नाटक कर यहां से चले जाइए और तेनालीराम से कहिए कि रानी को हमारे पास लेकर आओ। अगर ऐसा न कर सके तो अपने पद से हटा दिए जाओगे। मैं चलूंगी नहीं और आपको तेनालीराम को पदमुक्त करने का बहाना मिल जाएगा। राजा ने रानी की बात मान ली। दूसरे दिन राजा के रुष्ट होने की खबर चारों ओर फैल गई। तेनालीराम जब राजा से मिलने गया तो राजा ने वही बात उससे कही जो रानी ने कही थी। तेनालीराम का माथा ठनका। उसे लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है। उसने अपने एक आदमी को कुछ समझाया और फिर रानी से मिलने महल पहुंच गया। वहां वो रानी से अभी कुशल समाचार पूछ ही रहा था कि उसका सिखाया हुआ व्यक्ति वहां आया और बोला, तेनालीराम जी, आप बेकार ही ये झगड़ा निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजा अपनी बात पर अड़े हैं। उन्होंने निश्चय कर लिया है कि वो नई रानी लाकर ही रहेंगे। रानी ने सुना तो वो सचमुच डर गई। उसे लगा कहीं राजा वास्तव में ही तो उससे रुष्ट नहीं हो गए। उसने तेनालीराम से पूछा तो उसने बताया, राजा आपसे बहुत रुष्ट है। उनका कहना है कि रोज रोज की खिटपिट से तंग आ चुके हैं। अपने राजकाज में उन्हें आपका दखल देना जरा पसंद नहीं, इसलिए नई रानी लाने की बात सोच रहे हैं। रानी को तेनालीराम की बातों पर विश्वास हो गया। वो जल्दी से तैयार होकर राजा के पास बाग में पहुंची। उसने बार बार क्षमा मांगी और कहा, राज के कार्यों में अब कभी दखल नहीं दूंगी। हतप्रभ राजा बात समझकर बोले, लगता है तेनालीराम ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है। ऐसा मत कहिए, वो तो हम दोनों का झगड़ा मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ही उसकी दुश्मन बनी हूं। राजा तेनालीराम से सारी बात सुनकर हंसी से लोटपोट हो गए। भूल का एहसास। एक बार सारे दरबारियों ने तय किया कि राजा कृष्णदेव राय से तेनालीराम की शिकायत बार बार करेंगे, क्योंकि यदि कोई झूठी बात बार बार सच्ची बताई जाए या किसी झूठी बात को बहुत से आदमी सच्ची बताने लगे तो वो बात सच्ची मान ली जाती है। इसी सिद्धांत का सहारा लेकर वे लोग तेनालीराम को राजा की दृष्टि में गिराना चाहते थे। बस फिर क्या था, अपने इस फैसले पर उन्होंने दूसरे ही दिन प्रयोग आरंभ कर दिया। एक दरबारी राजा के पास जाकर बोला, महाराज कुछ सुना आपने? ऐसा क्या हो गया? महाराज ने पूछा तो वो दरबारी हाथ जोड़कर बोला, यदि महाराज अपराध क्षमा करे तो कहूं। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? महाराज, सुनने में आ रहा है कि आजकल तेनालीराम खूब रिश्वत बटोर रहा है। वो आपका परम प्रिय है, इसलिए लोग उसकी आपसे शिकायत करने से भी डरते हैं, क्योंकि आप कभी विश्वास नहीं करेंगे। उस दरबारी ने काफी प्रभावशाली ढंग से कहा तो महाराज बोले, हाँ भाई ये तो सच है, फिर भी मुझे तुम्हारे साहस की सराहना करनी पड़ेगी कि तुमने तेनालीराम की शिकायत करने का साहस तो किया। पता नहीं इतना साहस तुमने कहां से जुटा लिया। दरबारी ने राजा के मुंह से ये बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे उसकी जान ही निकल गई। वो राजा की झड़की सुनकर अपना समूह लेकर रफू चक्कर हो गया। पर दरबारी भी बड़े काइया थे। वे अपनी पहली असफलता पर हार नहीं मानने वाले थे। दूसरे दिन एक अन्य दरबारी ने यही बात राजा से कही। उसने अपनी बातों में खूब नमक मिर्च का उपयोग किया। अब तो रोज ही कोई न कोई राजा के पास पहुंचता और तेनालीराम की रिश्वतखोरी की बात कहता। लगभग एक महीने तक दरबारियों की शिकायतों का क्रम चलता रहा। अब राजा को भी उनकी बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। वो सोचने लगे कि तेनालीराम सचमुच ही रिश्वतखोर बन गया है, तभी तो उसके खिलाफ इतनी शिकायतें आ रही हैं। तेनालीराम को दंड देना ही होगा। यदि दंड नहीं दिया तो मेरी न्याय प्रीता मिट्टी में मिल जाएगी।
अगले दिन राजा ने तेनालीराम को दरबार में बुलाया और कहा, तेनालीराम, तुम्हारे खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायतें पिछले एक माह से मिल रही हैं। महाराज, मैं और रिश्वत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये तो एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिलते। मैं भी यही समझता था, तभी तो मैंने इतने दिनों तक खामोश रहा और शिकायतों पर ध्यान न दिया, किंतु अब शिकायतों की झड़ी लग गई तो मुझे भी विश्वास करना पड़ रहा है। अब या तो तुम एक सप्ताह के अंदर अपनी ईमानदारी का प्रमाण दो, वरना तुम्हें हमारे दरबार का पद छोड़ना होगा। तेनालीराम ने तुरंत भांप लिया कि ये सब दरबारियों का किया धरा है। तेनालीराम ने नित्य की भांति सिर झुकाकर अभिवादन किया और चुपचाप घर चला गया। अगले दिन तेनालीराम का नौकर आंखों में आंसू लिए दरबार में उपस्थित हुआ और एक पत्र मंत्री को दे दिया। मंत्री ने पत्र पढ़ना आरंभ किया। लिखा था, महाराज, शत शत प्रणाम। कल मुझ बेकसूर को दरबार में लज्जित होना पड़ा। मैं इसे जीवन से मृत्यु को श्रेष्ठ समझकर मर जाना उचित समझता हूँ, इसलिए मैं स्वयं को नदी की भेंट कर रहा हूँ। भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपने जो स्नेह मुझे दिया उसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक आभारी रहूंगा। आपका तेनालीराम। पत्र को सुनते ही राजा की आंखें गीली हो गईं, साथ ही दरबारी भी उदासी प्रकट करने लगे। राजा को अपनी भूल का एहसास होने लगा, पर अब क्या हो सकता था। सभी सच्चे मन से उसकी तारीफें करने लगे। राजा ने तत्काल शोक सभा का आदेश दिया। अभी शोक सभा चल ही रही थी कि एक जटाधारी अपना जड़ा जूटा उतारकर फेंकता हुआ खड़ा हुआ। महाराज, अब तो आपको मेरी सच्चाई का सबूत मिल गया। ये नकली जटाधारी स्वयं तेनालीराम था। राजा ने तेनालीराम से हंसते हुए कहा, तेनालीराम, तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी बुद्धिमता से पार पाना कठिन है। ये नाटक रचकर तुमने न केवल अपने आप को निर्दोष साबित किया है, बल्कि अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। षड्यंत्र। बहुत समय से विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य के साथ मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम से बदला लेने का यह उचित अवसर लगा था। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। एक दरबारी उनके पास आया और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के पास आकर उनके कान में जाकर बोला, महाराज, क्षमा करें, यदि आप अभयदान का वचन दें तो मैं एक बात कहूं। जो भी कहना हो निसंकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है। राजा ने दरबारी को अभयदान देते हुए कहा। तब वो डरते डरते बोला, महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या भक्ते हो, राजा गरज कर बोले। उनको गुस्सा आ गया। मैं तो पहले ही समझ रहा था महाराज, तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहो कि तेनालीराम की शिकायत आपको सहनी नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है। राजा कृष्णदेव राय ने विश्वास के साथ उस दरबारी से कहा, महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी सूचना पर है। पूरी तरह जांच और परख कर ही मैंने ये सूचना अब तक पहुंचाई है। दरबारी के अधिक जोर देकर बात करने से राजा सोचने पर विवश हो गए। वे बोले, ठीक है, मैं स्वयं इस बात की जांच करूंगा। यदि तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। दरबारी चला गया तो राजा ने तेनालीराम को एकांत में बुलाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम शत्रु राजा से मिलकर हमारे राज्य को उसके अधीन कर देना चाहते हो। तेनालीराम इस आरोप को सुनकर सिर से पैर तक कांप गया। उसे समझ नहीं आया कि उस राजा को क्या उत्तर दे। तेनालीराम को चुप देखकर राजा क्रोध से भड़क कर बोले, तुम्हारे चुप रहने का अर्थ क्या लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। ये सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही भविष्य में कर सकूंगा। राजा पहले ही क्रोधित थे। ये उत्तर सुनकर वो और भी भड़क उठे। तुमने जिस पड़ोसी राज्य से साठगांठ की है, अब वहीं जाकर रहो। इतने बड़े अपराध की इतनी मामूली सजा। तेनालीराम ने राजा से पूछा तो वो बोले, तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, तुम्हारे पद की गरिमा को और अपनी तुम्हारी मित्रता को देखते हुए, मैं तुम्हें यही दंड देना उचित समझता हूँ। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और एक भी शब्द कहे बगैर वहां से उठकर चला गया।
विरोधियों ने जब सुना तो उनकी खुशी की सीमा न रही। तेनालीराम ने पड़ोसी राज्य में पहुंचकर वहां के राजा के गुणों का वर्णन छंदबंद कर सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि मैं विजयनगर सम्राट का नीति सचिव तेनालीराम हूँ। राजा पहले ही तेनालीराम के नाम से परिचित था। वो बोला, राजा कृष्णदेव राय तो हमें अपना शत्रु समझते हैं, तुम यहाँ निडर होकर कैसे चले आए? राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है, साथ ही आप सुयोग्य शासक भी हैं। आपसे किसी ने गलत कहा है कि वो आपको शत्रु समझते हैं, वो तो आपको मित्र मानते हैं। हैं? मित्र मानते हैं? हाँ महाराज, तभी तो महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। हालांकि हमारे गुप्तचरों ने भी हमें ये खबर दी थी, लेकिन वो लड़ाई नहीं चाहते। लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता। तब आप अपना एक दूत राजा कृष्णदेव के पास भेजकर दोस्ती का संदेश भेज दीजिए। पड़ोसी देश के राजा ने अगले ही दिन अपना एक विशेष दूत विजयनगर कुछ बहुमूल्य उपहार देकर भेज दिया। विजयनगर सम्राट को पड़ोसी राज्य के दूत के आने से बहुत खुशी हुई। वो समझ गए कि ये सब तेनालीराम ने ही किया है। वैसे भी तब तक तेनालीराम के निर्दोष होने का राजा को पता चल चुका था। राजा ने तुरंत तेनालीराम को वापस बुलाया और उसका विशेष स्वागत किया। सबसे बहुमूल्य वस्तु सम्राट कृष्णदेव राय जब उड़ीसा पर विजय प्राप्त करके लौटे तो पूरे विजयनगर में हर्ष उल्लास छा गया। महीनों विजय समारोह चलता रहा। उड़ीसा विजय के उपलक्ष में राजा ने सीमा पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया। अपने ढंग का अनूठा था वो विजय स्तंभ। विभिन्न देशों के शिल्प को उसमें एक साथ देखा जा सकता था। एक दिन जब तेनालीराम छुट्टी पर था तो महाराज उस शिल्पी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। अंत में सम्राट ने शिल्पी से पूछा, तुम्हारे निश्चित पारिश्रमिक के अतिरिक्त भी हम तुम्हें कुछ देना चाहते, जो मांगना हो मांग लो। प्रधान शिल्पी ने सर झुकाकर उत्तर दिया, कृपा निधान, आपने मेरे शिल्प की इतनी प्रशंसा कर दी कि अब कुछ भी मांगने को शेष नहीं रहा, बस आपकी कृपा चाहिए। लेकिन सम्राट चाहते थे कि शिल्पी कुछ अवश्य मांगे। फिर राज दरबारी भी शिल्पी से कहने लगे, जब महाराज तुम्हें स्वयं पुरस्कार देना चाहते हैं तो तुम मना क्यों करते हो? स्वाभिमानी शिल्पी ने बहुत सोच विचार करके अपने औजारों का बड़ा सा थैला खाली किया और सम्राट के आगे रखता हुआ बोला, यदि महाराज मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो फिर इस झोले को संसार की बहुमूल्य वस्तु से भर दे। सम्राट ने चकित होकर मंत्री की ओर देखा। मंत्री स्वयं शिल्पी की मांग पर चकित था। उसने सेनापति की ओर देखा। सेनापति सोच रहा था, संसार की सबसे बहुमूल्य कौन सी वस्तु हो सकती है? उसने पुरोहित की ओर देखा। पुरोहित सिर झुकाए बैठा फर्श पर उंगलियां चला रहा था। सम्राट जब निर्णय न कर पाए तो उन्होंने शिल्पी से पूछा, क्या तुम्हारे इस झोले को हीरों से भर दें? हीरों से भी बहुमूल्य कोई न कोई वस्तु हो सकती है महाराज, शिल्पी ने कहा। सम्राट की समझ में न आया तो उन्होंने तेनालीराम को बुलाने के लिए अपने एक सेवक को भेजा। कुछ ही देर में सेवक तेनालीराम को साथ लेकर दरबार में आ गया। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु कौन सी है? तेनालीराम ने सेवक से रास्ते में ही सारी जानकारी ले ली थी। वो गंभीर चेहरा बनाकर बोला, ये उस व्यक्ति पर निर्भर है जिसको वो वस्तु चाहिए। फिर चारों ओर देखकर पूछा, संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु किस व्यक्ति को चाहिए? मुझे, शिल्पी ने कहा। फिर झोला दिखाकर बोला, ये झोला भरकर चाहिए, मिल जाएगी, तेनालीराम बोला। झोला मेरे पास लेकर आओ। शिल्पी झोला उठाकर तेनालीराम की ओर बढ़ा तो सारे दरबार में शांति छा गई। सभी उत्सुक थे कि देखें तेनालीराम शिल्पी के झोले में क्या देता है। तेनालीराम ने शिल्पी के हाथ से झोला लिया, उसे खोलकर दो तीन बार ऊपर नीचे किया, फिर उसका मुंह बांधकर शिल्पी को लौटाते हुए कहा, ये लो, मैंने संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु से तुम्हारे इस झोले को भर दिया है। शिल्पी प्रसन्न हो उठा, उसने मुंह बंधा झोला उठाया, सम्राट को प्रणाम कर दरबार से चला गया। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। शिल्पी के जाने के बाद सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, तुमने झोले में तो कोई वस्तु भरी ही नहीं, फिर शिल्पी चला क्यों गया? तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, अन्नदाता, आपने देखा नहीं, मैंने झोले में हवा भरी थी। हवा संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है,
उसके बिना ना धरती पर कोई प्राणी रह सकता है, ना आग जल सकती है, ना पानी बह सकता है। कलाकारों के लिए तो हवा और भी बहुमूल्य है, उनकी कला को हवा ना दी जाए तो वो मर जाए। सम्राट कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम महान हो, अपने और उसे अपने गले से लगाकर उसे अपने गले की स्वर्ण माला उसके गले में डाल दी।